दूरी पे ये बाबरली गांव है सर्जन के पास। तो बच्ची का नाम है संस्कृति, जो कि बचपन से ही प्रॉब्लम था और ब्रेन से रिलेटेड, जो कि प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इस पास की डायग्नोसिया में बदल गया था। हमने अभी 6 से 7 महीना हुआ थेरेपी का ट्रीटमेंट करते हुए बच्ची को। तो इसके पहले कंडीशन ये था कि हाथों में बहुत स्टिफनेस था, दोनों हाथों में, पैरों में भी बहुत स्टिफनेस था, गर्दन में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं था और मुंह से काफ़ी सलाइवा निकलता था, पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था। और अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मतलब कि हाथों में थोड़ा पहले की अपेक्षा भी सीधापन हो गया है। अब इसके बारे में, और आज बच्ची जो है हमारी कितने साल बाद बैठना शुरू बैठी ऐसे इस तरह से? अभी 9 साल। 9 साल बाद अभी जो है पहली बार बर्थडे पे जो है बच्ची ऐसे बैठी है। तो बच्ची के पिताजी हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या थेरेपी से फायदा हुआ है। थेरेपी से ये फायदा हुआ है कि हाथ ऐसा टेढ़ा था, बिल्कुल टेढ़ा है, अभी सीधा हो रहा है, ये भी हाथ थोड़ा सा सीधा हो रहा है। और पाए उसको खड़ा करके रखते थे ना, पाए ऐसा सीधा ऐसा 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 करती थी, लेकिन अभी वो सीधा कर रही है। और गर्दन पूरा झुकाती थी, ऐसा मोमेंट गर्दन में मोमेंट आती थी, हाँ वो अभी सीधा कर रही है, लेकिन वो ये नहीं डाल रही है, ये नहीं डाल रही है। आई कॉन्टेक्ट आ गया बच्चे का, पहले आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं था, अभी हम बुलाते हैं तो आई कॉन्टेक्ट करती है, यानी बच्चे का काफ़ी पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से है, जो कि बाकी जगह से कहीं से दवा से आराम नहीं हुआ। अभी हम लोग सिर्फ न्यूरोथेरेपी का ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाकी कोई मेडिसिन दवा ऐसा नहीं है।